अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने चैनल फूड ब्रेक पर वेलकम करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि मज़ेदार रेसिपी सीखकर फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकें। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, डिमांडिंग है, विंटर स्पेशल है। आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ फ़िश की मैरिनेशन करनी होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 किलो फ़िश लिया है, साथ ही में मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून भरकर क्रश चिली ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, धनिया और ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, नमक लेवल 1 टीस्पून लिया है, वेनेगर 1.5 टेबल स्पून जितना यूज़ करूँगी। साथ ही में मैंने जो अपने चैनल पर टिक्का मसाला आपको सिखाया है वो 1 टेबल स्पून लूँगी। सबसे पहले हम तमाम स्पाइसेस को, ये थोड़ा मेरा आइस इसमें जम गई क्योंकि मैं डिफ्रीज़र में रखती हूँ इसको, थोड़ी सी आइस आ गई, तमाम मसालों को इस तरह मिक्स करेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून जितना ले रही हूँ मैं, साथ में ये 1 टेबल स्पून जितना लेंगे, 1 टेबल स्पून जितना ये लेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब फिश लेंगे और फिश की मैरिनेशन करेंगे। आपने अच्छे से फ़िश की मैरिनेशन करनी है। फ़िश मैंने किस तरीके से आप देख सकते हैं पीसेस में कट करवा लिए, अच्छी तरह मैरिनेशन करेंगे इसको। इस तरह तमाम फ़िश की हम मैरिनेशन कर लेंगे हाथों का इस्तेमाल करते हुए। ये देखें, फ़िश में तमाम मसाला मैरिनेट हो चुका है। हम अब इसे एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए रख देंगे कवर करके, और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे और मसाला बनाएंगे और बाकी का जो भी प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी उबालने रख दिया, 2.5 लीटर जितना पानी लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ सॉल्ट डाला है, 4 अदद काली मिर्चें, 1 तेज़पात, 2 लौंग। मैंने ये डालकर इसको गर्म रख दिया था पानी को। अब जो पानी गर्म हो चुका है मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। चावलों को एक कनी छोड़ के उबाल लेंगे, फुल बॉयल नहीं करना, एक कनी बाकी रहनी चाहिए इसमें। चावल उबलते रहेंगे, 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं फिश की तरफ आऊँगी। तेल यहाँ मैंने गरम करने रख दिया है, गरम हो चुका है। मैं अब इसमें फ़िश फ्राई करूँगी, तमाम फ़िश फ्राई कर लेंगे। अब ज़रूरत 1 से 1.5 कप आप तेल ले लें। फिश जैसे ही एक तरफ हो जाएगी मैं इसे पलट दूंगी ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। फिश एक तरफ हो गई है, अब हम इसे पलट देंगे। ये देखें एक तरफ से हो गई है, अब मैं इसे पलट दूंगी। तुम कैसे दिखाओगे इस तरीके से पलट देंगे। तमाम को पलट देना है। जैसे ही दूसरी तरफ होगी इसको निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, बाकी की तमाम फिश भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चावल हो चुके हैं, एक कनी रख के उबाल लें, चावलों को भी छान लेंगे। अब जो भी मछली तलने, तमाम मछली मैंने यहाँ तल के निकाल ली है। जो भी मछली तल ली हमने उससे जो ऑयल बचा है मैंने इसको यहाँ इस पतीली में डाल दिया पैन में। ये ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑयल है। अब मैं इसमें 1/2 कप मज़ीद डालूँगी। अब ये 3/4 कप ऑयल हो चुका है, अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी। तेल मैंने गरम किया है, 3/4 कप ऑयल हमारे पास है। 2 बड़े टमाटर हैं, 1/2 गड्डी धनिया है, 1/2 गड्डी धनिया है, 1/2 गड्डी पुदीना है, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 हमने आलू बुखारे लिए हैं, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि फ़िश में भी नमक है, चावलों में भी नमक है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून है। साथ ही में मैंने 1/2 कप दही ली है, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भरकर, हरी मिर्चें 1.5 टीस्पून है। साथ ही में मैंने यहाँ 1 अदद बड़ी प्याज को लाल करके निकाल लिया है। देखें घर की बनी हुई प्याज है, बहुत क्रिस्पी है ये। केवड़ा ऐसे सस्ते ज़रूरत लेंगे। साबुत गरम मसाले में 1 अदद तेज़पत्ता है, 4 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है,
दो छोटी इलायची है, बड़ी इलायची का ज़रा साइज़ मेरे पास छोटा है लेकिन बड़ी इलायची मैंने दो ली है, 7 से 8 काली मिर्चें हैं और 1 दालचीनी की डंडी है। गरम मसाला हमने इस तरह लिया है। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून जीरा शामिल करूँगी, जो कि मैं आप यहाँ निकालना भूल रही हूँ, मैं अभी डायरेक्ट इसी में शामिल कर दूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभार इंसान रह जाता है, मिस हो जाती हैं। तो ऐसे शुरू ही इसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा ये गर्म मसाला इसमें हल्की सा हम इसमें डालेंगे और उसको फिराएंगे। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल करूंगी और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूंगी। बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है। साथ ही में मैं ये टमाटर डालूंगी। और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए और अच्छे से मैच होने लगे हैं, अब ये मिक्स होने लगे हैं इसमें। अब मैं यहाँ इसमें दही शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। साथ ही मैं ये प्याज दूंगी, इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का चूरा कर लेंगे। चूरा की भी प्याज भी इसके अंदर शामिल कर दी है मैंने। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें ये तमाम मसाले और हरी मिर्चें शामिल करूंगी। अब मेरे पास यहाँ मछली का जो मसाला बच गया था, ये 1 टेबल स्पून जितना बच गया, इसमें ज़रा सा मैं पानी डाल के और मिक्स करके इसी में ये शामिल कर दूँगी। ये देखें इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी शामिल कर दिया, तमाम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि मछली का अच्छा सा फ्लेवर जो मसालों में था वो इसमें भी आ जाए। अब हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि मसाले और तमाम चीज़ों का अरोमा जो है अच्छी तरह चावलों के लिए जो हम तैयार करें मसाला इसमें शामिल हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखें तेल भी किनारों पे आ गया है और ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें धनिया और पुदीना शामिल करूंगी, मिक्स करेंगे। बिरयानी की जान होता है धनिया पुदीना और हरी मिर्च है। साथ ही में मैं यहाँ 1 कप पूरा भर कर केवड़ा शामिल करूँगी। केवड़ा वाटर है ये वाला कैप पूरा। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने यहाँ वही पतीली ली है जिसमें चावल मैंने उबाले थे। अब मैं इसमें थोड़े से चावल शामिल करूँगी। ये देखें थोड़ा सा चावल शामिल कर दिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर बिरयानी का जो हमने मसाला फिश बिरयानी का जो तैयार किया है वो शामिल करूँगी। इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। तमाम मसाला हम डाल देंगे इसमें। फिश शामिल करूंगी। आधी फिश रोक लेंगे ताकि ऊपर डाल सके। अब मैं चावल शामिल कर दूंगी तमाम। बाकी की बची हुई फिश इसके ऊपर रख देंगे। और ये जो ऑयल फिश से निकला है ये भी डाल देंगे ऊपर।
अब मैंने यहाँ फिश तमाम ऊपर रख दी है। अब मैं यहाँ 1 टेबल स्पून जितनी लाल प्याज डालूँगी, टेस्ट और खूबसूरती दोनों आएगी इससे। मैं इस बिरयानी में कलर नहीं डालती, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया शामिल कर रही हूँ। अब मैं ऊपर 1 चम्मच भरकर घी डालूंगी और इसको दम दूंगी 15 मिनट के लिए। हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा चम्मच है, ज़रा सा और डालेंगे। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और उसके बाद आपको दिखाएंगे। ज़बरदस्त सी फिश बिरयानी रेडी हो चुकी है, इसे डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त सी बनी है। मज़े की तैयार हुई है, बहुत लजीज खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का ख्याल होगा। ये देखें, मज़ेदार सी फिश बिरयानी तैयार है, चारों तरफ से आपको दिखाया है। लुक इसका कितना ज़बरदस्त आया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। यहाँ ज़बरदस्त सी पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े पाए लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह आटे से मल के धो लिया था। साथ ही में मैंने यहाँ गर्म मसाला लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 8, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े और तेज़पत्ता भी 2 से 3 है। साथ ही मैं ऑयल गरम करके, 1/4 कप ऑयल गरम करके मैंने 4 डली प्याज की लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट के यहाँ फ्राई कर लिया था और यहाँ मैंने इसको गोल्डन कर लिया है ताकि टाइम बच जाए। अब मैं इसमें ये तमाम साबुत मसाले शामिल करूँगी। अब इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें यहाँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की है। अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल कर रही हूँ। इसे भी हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे 2 से 3 मिनट। दही डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई की है और तेल अलग हो गया है, देखें तेल अलग हो गया है। अब मैं इसमें पाए शामिल करूँगी। पाए डालने के बाद मैंने इसमें पाए डाले हैं और पाए डालने के बाद मैं पाए के साथ इसको 2 मिनट पकाऊंगी और फिर पानी डाल के मैं इसको 10 से 11 घंटों के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी हल्की आंच पे। अब मैं यहाँ 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। यहाँ 2 लीटर पानी शामिल कर दिया मैंने। अब इसको उबाल आने तक तेज़ आंच करके रखूँगी और जैसे ही उबाल आएगा स्लो आंच कर देंगे और हम इसे गलाएंगे 10 से 11 घंटों तक। देखिए यहाँ उबाल आ गया है, मैं इसको कवर करके और इसकी आंच को स्लो करूँगी और साथ ही मैं इस पर मैं इस तरह का भारी भट्टा रख के इसे पकाऊँगी। मैक्सिमम हम इसे 2.5 से 3 घंटों बाद देखेंगे पकाना, तो हमें इसे 10 से 11 घंटे बिल्कुल दम वाली हल्की आंच, दम से थोड़ी सी हल्की तेज़ आंच पे पकाना है और इसको गलाने। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो उसमें तो टाइमिंग गलाने में इतना नहीं लगता, लेकिन ये देसी तरीके से मैं पका रही हूँ जिस तरह नानियाँ दादियाँ पकाती थी और बड़ा मज़े का टेस्ट डेवलप होता था, तो इसके लिए मैंने इसी तरह पकाना है और 2.5 से 3 घंटों बाद फिर आपको दिखाएंगे। ये बहुत गर्म हो रहा है और यहाँ 3 से 3.5 घंटे गुजर गए। मैं ऐसे हल्की आँच पर ही पकाने के लिए छोड़ा हुआ था और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये पक रहा है लेकिन इसका पानी कम हो गया है ना,
तो इसको मुझे और अभी ये देखें गला नहीं है प्रॉपर, अभी भी इसमें थोड़ा इस तरह का है। पाए इस तरह के अच्छे लगते हैं जो हड्डियाँ छोड़ देना, बिल्कुल इसी तरह के पाए बनने चाहिए, तभी आपके ये पाए के जो शोरबा होता है उसमें चिकनाई और लेस पैदा होता है। ये देखें अभी ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं गला, ये देखें थोड़ा सा हार्ड है अभी भी। तो यह मुस्तकिल जब पकता है हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे 10 घंटे लगते हैं इसको पकने में, जब कहीं जाके ये बेहतरीन तैयार होते हैं। और अभी ये देखें पानी कम हो गया, हमें इसे मज़ीद पकाने के लिए दम वाली आंच पे इसे पकाने के लिए मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 से 2.5 गिलास पानी मैं अलग से गर्म करके डालूँगी, ठंडा पानी नहीं डालना वरना ये अकड़ जाएँगे। यहाँ देखिए ये पानी गर्म हो गया है, तो 2 से 2.5 गिलास जितना पानी इसके अंदर मैंने शामिल करना है। इसे मैं मज़ीद पकने के लिए रखूँगी और जब ये बिल्कुल गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें नमक डालूँगी और गरम मसाला शामिल करूँगी। पकते पकते यहाँ 10 बज चुके हैं और 1 बजे मैंने ये पकने के लिए रखा था, रात के 10 बज चुके हैं और बिल्कुल ही मुस्तकिल मैंने इसे दम वाली आंच पर ही पकाया है। सुबह से रात तक मुस्तकिल ये बिल्कुल इसी आंच पे पका है। और यहाँ अब मैं हस्बे जायका नमक 1 टेबल स्पून लेवल मैंने नमक लिया है और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून भरकर गरम मसाला लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप ये देखें ये इतने गल चुके हैं कि ये हड्डियों से उतरने लगे हैं, ये देखें बिल्कुल हड्डियाँ इन्होंने छोड़ दी और ये बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखें आप ये देखें बिल्कुल। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ हरा धनिया और अदरक शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसे 5 मिनट कवर करके रखूँगी ताकि धनिया और अदरक की खुशबू इसमें बैठ जाए और उसके बाद मैं सर्व करूँगी। तैयार हो चुके हैं, मैं इसे डिश आउट करूँगी। यहाँ ज़बरदस्त से पाए बनकर तैयार हैं और हम इसे नान के साथ इंजॉय करेंगे तमाम गार्निश डालकर। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, मेमनी स्टाइल हरे लहसुन वाले बाजरे के कबाब बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैंने मटन 1 पाव लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ ही में हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और हम मटन की अच्छी सी मैरिनेशन कर लेंगे। और इसे कवर करके 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ मैंने ड्राई स्पाइसेस में 3 स्पाइसेस लिए हैं साबुत मसाला जात में। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया और 10 से 12 गोल मिर्चें लेनी है आपने। इसको हमने तवे पर भून के हल्का हल्का और चॉपर में पीस के मसाला बना लेना है। ये भी हम गोश्त में शामिल करेंगे। मिक्स करते वक्त जब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, मैरिनेशन सिर्फ तीन मसालों में होगी, 3 चीज़ों में मैरिनेशन, लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट और गरम मसाला नमक में मैरिनेशन कर दी है। और फिर जब हम सब चीज़ों को एक साथ करेंगे मिक्स, जब हम वो मसाला डालेंगे इसके अंदर जो हम तैयार करेंगे चॉपर में। साथ ही में मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 कप हरा लहसुन वाइट पार्ट, ग्रीन पार्ट और इसकी रूट्स भी ये शामिल करेंगे। साथ ही में 1 अदद चौप प्याज और यहाँ मैंने 1 पाव बाजरे का आटा या 2 कप बाजरे का आटा लिया। गोश्त को हमने यहाँ 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये चीज़ें मैंने फ्रिज में रखती थी जब तक, ताकि कटिंग की भी ये चीज़ें ख़राब ना हो बाहर पड़े पड़े। और ये देखें मसाले को मैंने दरदरा पीस लिया। अब मैं ये मसाला तमाम मसाले इसमें शामिल करूँगी, ये ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जितना होगा। साथ ही मैं इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। मुझे ये बोल मिलाने के लिए छोटा पड़ेगा लिहाजा मैं बड़ा बोल लूँगी। अब मैंने यहाँ बड़ा बोल लिया, इसमें मैंने 2 कप बाजरे का आटा और बाकी की ये तमाम गोश्त और ये तमाम चीज़ें इसी में शामिल करेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसी में बोल में मैं पानी डालूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसे हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। मटन मैंने हाथ का कुटा हुआ लिया था, आप चाहें तो इस रेसिपी को
चिकन वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, पर चिकन को आपने फौरन इंस्टेंट यूज़ करना है, आपने इसको मैरिनेशन का ज़्यादा टाइम नहीं देना। थोड़ा पानी मज़ीद शामिल करूँगी इसमें। इसमें ऑलमोस्ट 1 कप जितना पानी शामिल किया है भरकर मैंने, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ठीक रखना है इसको, ये देखें ये इस तरह का रखना है। अब मैं यहाँ इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और साथ ही में मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म रख दिया, घर की जरूरत ऑयल गर्म कर देंगे हम। अब मैं यहाँ से ये उठाऊँगी और हल्का हल्का प्रेस करके इस तरह फ्राई कर लूँगी। मशीन के कीमे में भी ये बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा कीमा जब आता है मुंह में तो वो अच्छा लगता है। तो इस तरह से टिक्की की तरह से डालते जाएंगे, बस ये हल्की दरमियानी आँच पे फ्राई करना है, तेज़ आँच पे फ्राई नहीं करना, वरना तो क्या होगा ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरह हम बाकी के भी तमाम फ्राई कर लेंगे। इसे आप चटनी, रायते, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार हाइटी स्नैक्स के लिहाज से ये बहुत अच्छी डिश है। फ्राई हो रहे वन साइड होंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। ये एक तरफ से हो गए, अब हम इन्हें पलट देंगे दूसरी तरफ भी। बहुत अच्छे क्रिस्पी से ये फ्राई होते हैं। जब ये हो जाएंगे तो हम इन्हें डिश आउट करेंगे और एक पाव में ये बहुत सारे बन जाते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गई है, देखें दूसरी तरफ से भी अच्छी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और बाकी की तमाम भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ मज़ेदार से बाजरे के आटे के कबाब मैंने सर्व कर दिए हैं और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने 2 बड़े पाए लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह आटे से मल के धो लिया था। साथ ही में मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 6 से 8, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े और तेज़पत्ता भी 2 से 3 है। साथ ही में ऑयल गरम करके, 1/4 कप ऑयल गरम करके मैंने 4 डली प्याज की लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट के यहाँ फ्राई कर लिया था और यहाँ मैंने इसको गोल्डन कर लिया है ताकि टाइम बच जाए। अब मैं इसमें ये तमाम साबुत मसाले शामिल करूंगी। अब इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें यहाँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद मैंने इसकी 2 मिनट भुनाई की है। अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल कर रही हूँ, इसे भी हम मिक्स करेंगे और पकाएंगे 2 से 3 मिनट। दही डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई की है और तेल अलग हो गया है, देखें तेल अलग हो गया है। अब मैं इसमें पाए शामिल करूंगी। पाए डालने के बाद मैंने इसमें पाए डाले हैं और पाए डालने के बाद मैं पाए के साथ इसको 2 मिनट पकाऊंगी और फिर पानी डाल के मैं इसको 10 से 11 घंटों के लिए पकने के लिए छोड़ूंगी हल्की आँच पे। अब मैं यहाँ 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। यहाँ 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको उबाल आने तक तेज़ आंच करके रखूँगी और जैसे ही उबाल आएगा स्लो आंच कर देंगे और हम इसे गलाएंगे 10 से 11 घंटों तक।
देखिए यहाँ उबाल आ गया है। मैं इसको कवर करके और इसकी आँच को स्लो करूँगी और साथ ही मैं इस पर मैं इस तरह का भारी बट्टा रख के इसे पकाऊँगी। मैक्सिमम हम इसे 2.5 से 3 घंटों बाद देखेंगे। पकाना तो हमें इसे 10 से 11 घंटे बिल्कुल दम वाली हल्की आँच, दम से थोड़ी सी हल्की तेज़ आँच पे पकाना है और इसको गलाने। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो उसमें तो टाइमिंग गलाने में इतना नहीं लगता, लेकिन ये देसी तरीके से मैं पका रही हूँ जिस तरह नानियाँ दादियाँ पकाती थी और बड़ा मज़े का टेस्ट डेवलप होता था। तो इसके लिए मैंने इसी तरह पकाना है और 2.5 से 3 घंटों बाद फिर आपको दिखाएंगे। और ये बहुत गर्म हो रहा है और यहाँ 3 से 3.5 घंटे गुजर गए। मैं ऐसे हल्की आँच पे ही पकाने के लिए छोड़ा हुआ था और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये पक रहा है लेकिन इसका पानी कम हो गया है ना, तो इसको मुझे और अभी ये देखें गला नहीं है प्रॉपर, अभी भी इसमें थोड़ा इस तरह का है। पाइव इस तरह के अच्छे लगते हैं जो हड्डियाँ छोड़ दें ना, बिल्कुल इसी तरह के पाए बनने चाहिए तभी आपके ये पाए के जो शोरबा होता है उसमें चिकनाई और लेस पैदा होता है। ये देखें अभी ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं गला, ये देखें थोड़ा सा हार्ड है अभी भी। तो यह मुस्तकिल जब पकता है हल्की आँच पे, दम वाली आँच पे 10 घंटे लगते हैं इसको पकने में, जब कहीं जाके ये बेहतरीन तैयार होते हैं। और अभी ये देखें पानी कम हो गया, हमें इसे मज़ीद पकाने के लिए दम वाली आँच पे इसे पकाने के लिए मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 से 2.5 गिलास पानी मैं अलग से गर्म करके डालूँगी, ठंडा पानी नहीं डालना वरना ये अकड़ जाएंगे। यहाँ देखें ये पानी गर्म हो गया है तो 2 से 2.5 गिलास जितना पानी इसके अंदर मैंने शामिल करना है। इसे मैं मज़ीद पकने के लिए रखूँगी और जब ये बिल्कुल गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें नमक डालूँगी और गरम मसाला शामिल करूँगी। पकते पकते यहाँ 10 बज चुके हैं और 1 बजे मैंने इसे पकने के लिए रखा था, रात के 10 बज चुके हैं और बिल्कुल ही मुस्तकिल मैंने इसे दम वाली आँच पर ही पकाया है। सुबह से रात तक मुस्तकिल ये बिल्कुल इसी आँच पे पका है। और यहाँ अब मैं हसबे जायका नमक 1 टेबल स्पून लेवल मैंने नमक लिया है और यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून भरकर गरम मसाला लिया है, ये शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप ये देखें ये इतने गल चुके हैं कि ये हड्डियों से उतरने लगे हैं। ये देखें बिल्कुल हड्डियाँ इन्होंने छोड़ दी और ये बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखें आप ये देखें बिल्कुल। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ हरा धनिया और अदरक शामिल कर रही हूँ और अब मैं इसे 5 मिनट कवर करके रखूँगी ताकि धनिया और अदरक की खुशबू इसमें बैठ जाए। उसके बाद मैं सर्व करूँगी। तैयार हो चुके हैं, मैं इसे डिश आउट करूँगी। यहाँ ज़बरदस्त से पाए बनकर तैयार हैं और हम इसे नान के साथ इंजॉय करेंगे तमाम गार्निश डालकर। और आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, ट्राई की। वेलकम टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वैसे तो मैंने गाजर का हलवा अपने चैनल पे पहले भी सिखाया है लेकिन ये भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है। यहाँ मैंने 1 किलो कद्दूकस गाजर ली है, हसबे ज़रूरत बादाम पिस्ते नहीं है, वैसे तो आप जितने डालें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ मैंने 1 कप भर के खोया लिया है, थोड़ा सा मैंने ऊपर छिड़कने के लिए भी अलग रखा हुआ है। टोटल मैंने इसमें 1.5 पाव खोए का इस्तेमाल किया है। 1 कप चीनी है, साथ ही में मैंने यहाँ 1/2 कप पाउडर मिल्क लिया है, 2 कप फ्रेश मिल्क लिया है, 4 अदद इलायची लिए और यहाँ मैं 1 कप घी शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इन गाजरों को दूध के साथ पैन में पकाऊँगी। तमाम गाजरों को पैन में शामिल करेंगे। अब मैं इसे दूध शामिल करके पकाऊँगी। गाजरों को हमें दूध के साथ 10 मिनट पकाना है। ये देखें दूध बहुत ज़्यादा इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध में भी पकने से गाजरों का रंग थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने से। ये 2 कप दूध इनफ है इसके लिए, इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए। ये देखें 2 मिनट, ये देखें यहाँ 2 मिनट हुए हैं और गाजर जो है थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। और ये देखें गाजर के अंदर जो एक सब्ज़ी के अंदर अल्लाह ताला ने जो पानी रखा होता है उसका भी पानी रिड्यूस हुआ है, ये देखें। और हमने जो दूध डाला था वो भी इसके अंदर मौजूद है।
तो इसको पकाएंगे जैसा कि मैंने आपको कहा, इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें यहाँ 10 मिनट पकाया मैंने, इसमें अब चीनी शामिल कर रही हूँ मैं। अब मैं इसे मिक्स करके पकाऊंगी जब तक चीनी का दाना घुल जाए और चीनी का पानी खुशक हो जाए, इसे तब तक पकाएंगे। वैसे गाजरों में भी अभी पानी और थोड़ा सा जो वाटर कंटेंट है इसका मिल्क के साथ वो बाकी है, लेकिन इस स्टेज पे मैंने चीनी डाल दी। अब इसे दाना घुलने तक और पानी के सूखने तक पकाएंगे। ये देखेंगे तमाम पक कर ख़त्म हो जाएगा, उस हद तक इसे पकाएंगे। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट इसे मज़ीद लगेंगे पकने। यहाँ मुझे इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गई है और इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हल्का फुल्का बाकी है, यानी कि इसे पकाने में हमें 14 से 15 मिनट लगेंगे। हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और तेज़ आंच पे इसको मैंने पकाया, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा, मुस्तकिल इसे हिलाती गई हूँ, वरना क्या होता है कि एक जगह से ही लगना शुरू हो जाता है, उसका रंग ख़राब हो जाता है। आप कभी भी मीठे को छोड़ा मत करें और इसे इसी तरह ख्याल रख के पकाया करें। ये देखें यहाँ मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें पाउडर मिल्क शामिल करके इसे मिक्स करूँगी। मैं इस तरह तमाम हलवे को साइड करके खोल बनाऊँगी और मैं यहाँ इसमें 1/2 कप जितना घी शामिल करूँगी। 1/2 कप घी शामिल करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा कप इस्तेमाल किया है। ये जो बड़ा वाला कप होता है मैंने ये 1/2 कप लिया है। अगर आप मेजरिंग कप से नापें तो 1 कप होगा। अब मैं इसमें इलायची शामिल करूँगी और आंच को थोड़ा सा बढ़ाऊँगी ताकि जब इसमें इलायची फ्राई हो तो इसकी खुशबू बैठ जाए। इसे मिक्स करेंगे। अभी अपने फाइनल स्टेज की तरफ है और बहुत ज़बरदस्त ही इसमें खुशबू आ रही है, तो मैं यहाँ इसमें बादाम पिस्ते शामिल करूंगी। देखते हैं आप इसका रंग कितना खूबसूरत है। अब मैं इसमें आखिर में खोया शामिल करूंगी। तमाम खोया शामिल करेंगे इसमें। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्के आंच पर रखूंगी और उसके बाद इसको डिश आउट कर लें। देखें आप हमारा यहाँ ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये हमने यहाँ गाजर का हलवा निकाल कर उस पर थोड़ा सा खोया डाल दिया जो हमने यहाँ बचा के रखा था। अब हम इसे हसबे ज़रूरत नट्स के साथ डेकोरेट करेंगे, उस पर चांदी का वर्क लगा के और प्रेजेंट करेंगे। बहुत ही प्रेजेंटेबल लगेगा। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट फीडबैक दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।